नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, प्रभु झूलेलाल शोभा यात्रा में शामिल सिंधी समाज के लोग। सिंधी समाज का प्रभु झूलेलाल चालीहा महोत्सव सबसे बड़ा एवं राष्ट्रीय पर्व है, जिसे सिंधी समाज लगातार सावन माह में 40 दिनों तक मनाते हैं। ये बातें सिंधी सेंट्रल पंचायत के मुखिया व सिंधु सेवा समिति के संरक्षक ओम प्रकाश आदानी ने कही। रामनगर कॉलोनी स्थित संत नवलराम दरबार में 40 दिवसीय महाआरती का समापन मेवा व नारियल का भोग लगाकर बीती शुक्रवार को देर रात्रि में हुआ। शनिवार को दरबार में हवन, कलश पूजन और झूलेलाल की आरती हुई। उसके उपरांत रामनगर कॉलोनी में बाहिराड़ा साहिब पालकी में विराजमान झूलेलाल की शोभा यात्रा कॉलोनी में घूमकर गुप्तार घाट पहुंची, जहां पर भजन कीर्तन अरदास व झूलेलाल के उद्घोष लगाकर नम आंखों व भावुकता के साथ विसर्जन हुआ। घाट पर भक्त प्रहलाद सेवा समिति की ओर से प्रसाद वितरण हुआ। समिति के संरक्षक गिरधारी चावला व अध्यक्ष मोहन माध्यान ने महोत्सव के अवसर पर कहा कि कोरोना के भय व शासन की गाइडलाइंस के अनुसार इस वर्ष भी शोभा यात्रा में झांकियों को शामिल नहीं किया गया और सादगी के साथ कॉलोनी में शोभा यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश सिंधी युवा समाज के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ओमी व उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी के पूर्व उपाध्यक्ष अमृत राजपाल ने इस दौरान प्रदेश सरकार से ये मांग की है कि प्रभु झूलेलाल की जीवनी सरकार पाठ्यक्रम में शामिल की जाए। शोभा यात्रा में सभी लोगों ने झूलेलाल के दर्शन किए। महिलाओं ने पालकी में विराजमान झूलेलाल की आरती की। शोभा यात्रा में झूलेलाल के गीत, भजन व सूफी कलाम चल रहे थे। शोभा यात्रा में जीपी क्षेत्रपाल, अशोक मदान, सुखी हरीश माध्यान आदि कई लोग मौजूद थे। प्रभु झूलेलाल महोत्सव की हृदय की गहराइयों से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को बधाई, शुभकामनाएं। सिंधु सेवा समिति के तत्वाधान में यह झूलेलाल महोत्सव अनवरत हर वर्ष मनाया जाता है। कोरोना काल को देखते हुए इस बार केवल प्रभु झूलेलाल जी की दिव्य प्रतिमा के साथ एक झांकी निकली है। जो झांकियां अन्य निकलती हैं वो इस वर्ष नहीं निकाली गई हैं, लेकिन हम प्रभु झूलेलाल जी के चरणों में सिंधी समाज की ओर से, सभी संस्था के पदाधिकारियों की ओर से प्रभु झूलेलाल के चरणों में देश कोरोना मुक्त हो, यही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और झूलेलाल जी की कृपा से सभी सुख समृद्धिशाली रहे, देश और समाज आगे बढ़े, इसी की कामना करते हैं। पुनः सभी के श्री चरणों में प्रणाम। प्रभु झूलेलाल महोत्सव की बधाई। रामनगर भ्रमण करके ये सीधे गुप्तार घाट विसर्जन की ओर जाएंगे। आदरणीय संरक्षक महोदय श्री गिरधारी चावला जी, श्री अध्यक्ष मोहन मंध्याण जी, ये बाराणा साहब है, झांकी इस बार नहीं निकली है, ये बाराणा साहब का एक चोला तैयार हुआ, ये विसर्जन की ओर जाएगा गुप्तार घाट पे। ये हर वर्ष झांकियां निकलती थी, इस बार कोरोना काल को देखते हुए यह नहीं निकाली गई है। और हम लोग पुनः सभी के सुख समृद्धि की कामना करते हुए सभी को बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय। 69वें प्रभु झूलेलाल महोत्सव की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल जो है 69वां प्रभु झूलेलाल महोत्सव मनाया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सीमित संख्या में लोगों की संख्या है, और जैसे पिछले 2 वर्षों से जो है अपना प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार कोविड को देखते हुए मेला मनाया जा रहा है। क्या कार्यक्रम आयोजित हुए? आज सुबह कुंडली पूजा हुई, अपना संत नवलराम दरबार में कुंडली पूजा से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 40 दिन नित्य आरती पूजा के साथ 40 दिन हम लोग का जो 40वां महोत्सव होता है, 40 दिन लगातार आरती पूजा होती है, इसके पश्चात कुंडली पूजा होती है। सुबह आज कुंडली पूजा के साथ में और बाराणा साहब का जो है दर्शन कराया जा रहा है। रामनगर कॉलोनी में ये दर्शन हो रहा है इस समय, इसके पश्चात जो है गुप्तार घाट जाके बाराणा साहब का विसर्जन होगा।